इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी संगठन ISIS ने अपने आतंकियों को एक बहुत गंभीर सलाह देते हुए एक पैगाम जारी किया है, जिससे ये पता चलता है कि ISIS अपने आतंकियों की कितनी परवाह करता है। द संडे टाइम्स के मुताबिक ISIS के न्यूज़लेटर अल नबा के नए संस्करण में यूरोप की यात्रा नहीं करने की चेतावनी देते हुए इस संबंध में नए शरीयत निर्देशों का हवाला दिया गया है। उसने कोरोना वायरस से पीड़ित अपने आतंकवादियों को क्षेत्र नहीं छोड़ने के लिए भी कहा है। न्यूज़लेटर अल नबा में कहा गया है कि जो स्वस्थ हैं उन्हें महामारी की जमीन में प्रवेश नहीं करना चाहिए और जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें वहां से नहीं निकलना चाहिए। इसमें आतंकवादियों को निर्देश दिया गया है कि वे उबासी या छींकते समय अपना मुंह ढकें और अपने हाथ नियमित रूप से धोएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार यूरोप इस समय महामारी का केंद्र है। इस लेटर में आगे लिखा है कि इटली, फ्रांस और स्पेन ने सार्वजनिक रूप से एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 5,300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। बता दें, यह आतंकवादी संगठन पूर्व में आतंकवादियों को यूरोप में आतंकवादी हमलों का षड्यंत्र रचने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। ये वही ISIS है जिसने ना जाने कितने ही हमलों के द्वारा बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है। विश्व में हो रहे किसी भी आतंकवादी हमले पर शक की सुई सीधे ISIS की तरफ ही मुड़ती है और आज ये संगठन अपने आतंकियों की सुरक्षा चाहता है, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही हमलों को अंजाम दिया जा सके। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।